जो न्यू का आकर ते 2000 वोटाओं में कोई ना 1000 वोटाओं में कोई ना जमानत जब्त है। आप लोगों को बता देता हूं भाई 15000 वोट लिए हैं। मैं भी चुनाव जीत जाता बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ कमी एक थी, जितने मेरे दो रुपये थे, जितने मैंने लोग बहुत आरे मांगे वे रुपये ठाठ होकर मैंने सोची 7-17 चुनाव लड़ांगे। दारू के मैं सख्त खिलाफ हूं, दारू मैं नहीं पियाऊंगा, दारू वाली वोट मैंने चाहती नहीं, मेरे काम के नाम पर वोट मांगूंगा। जनता ने कहे जान साले कुत्ते, काम की के वैल्यू है। सभी साथियों को रचिकारा की तरफ से राम राम। चुनाव के नतीजे आ गए हैं भाई, और चुनाव लड़िया हमने, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे जितने भी मेरे काम आए, मेरे लिए अपनी गाड़ी घोड़िया का तेल फूकाए, मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी गल धूप मंजले भूखे तसाए घूमे, कहीं का भी था कोई भी था, जिसने गाड़ी दी सहयोग के लिए, जिसने अपना समय दिया, भाई आप सबका मैं जीवन भर कर्जवान रहूंगा, आभारी रहूंगा। जिंदगी में मेरे लायक कोई से भाई ने जब ती जीव कोई काम लग गए अपने भाई को याद करना, थरे लिए खड़ा पाऊंगा। अब बात आती है चुनाव क्यों लेके, चुनाव के बारे में बहुत घने भाई जानना चाहते होंगे चुनाव में क्यों हुआ। चुनाव की आप लोगों को बता देता हूं के कमी रही, चुनाव के ऊपर लड़ना चाहिए, किसने लड़ना चाहिए, क्यों आ रहे, रीजन के था। बात नंबर एक, हम चुनाव हार गए हैं, बीजेपी पार्टी यहां से चुनाव जीती है, कांग्रेस पार्टी का जो 5 बार का विधायक था वो भी चुनाव हार गया है, दूसरे नंबर पर रहा है। और बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, 1 महीने की राजनीति में आए, हमने संघर्ष करके मेहनत करके मजदूरी करके 15000 वोट लिए, जो न्यू कहा करते 2000 वोटाओं में कोई ना 1000 वोटाओं में कोई ना जमानत जब्त है। आप लोगों को बता देता हूं भाई 15000 वोट लिए हैं, बधाई देना चाहूंगा हरेक उस मां ने, हरेक उस भाई ने, हरेक उस काका ताऊ ने, जिस नाम इस लायक समझे, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज कुछ खुली बात करना चाहूंगा राजनीति की, मैं अपने भीतर क्या नहीं करूं। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा भाई हरेक उन महान हस्तियों का जिन वोट गिरण के लायक हम समझे। हाँ, दूसरी बात यह है, कुछ साथी ऐसे थे जो कह रहे थे मत लड़े कांग्रेस ना रुआ होगा, एक तरफा कांग्रेस आने लायक रही है, बोले 70-80 सीट कांग्रेस की आवा कड़ गई भाई वाह कांग्रेस। उन तो पूछना चाहू उन चापलूसा थे जो कलकी मारे थे, रूके मारे थे, मेरी एक सीट तक कांग्रेस नहीं आ रही होगी ना सारी के। अगर मेरी एक सीट के कारण कांग्रेस आ रही मन हरा दी पूरे हरियाणा में, हर एक साथी से सवाल है मेरा यो, आज हम नहीं हो रही थी, एक गरीब का बेटा क्यों चुनाव लड़ रहा है। और ये अब इससे अगली बात आती है भाई, जितने जो मेरे साथी हैं स्पेशली उनके लिए, बेशक होए समाज सेवा मत कराया करो, समाज सेवा तो कोई मतलब नहीं है, मेरे त्या खून में बस गई, मजबूरी हो रही है, लोगों ने मेरे तो उम्मीद है पेंडा छोट ना रहा करूं, लेकिन समाज सेवी साफ छवि का अच्छे काम करनिया राजनीति में कामयाब नहीं है। मैंने मेरी आख्या देखा है, मेरे काना सुनिया है, मन महसूस कराया है खुद, मैं भी चुनाव जीत जाता बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ कमी एक थी, जितने मेरे दो रुपये थे, जितने मैंने लोग बहुत आरे मांगे वे रुपये ठाठ होकर मैंने सोची 7-17 चुनाव लड़ांगे। दारू के मैं सख्त खिलाफ हूं, दारू मैं नहीं पियाऊंगा, दारू वाली वोट मैंने चाहती नहीं, मेरे काम के नाम पर वोट मांगूंगा। जनता ने कहे जान साले कुत्ते, काम की के वैल्यू है, क्या मैं पल्ला होता दी, जनता ने नगद रुपया चाहिए था,
कुछ हकीकत बताता हूँ, हर चीज के सबूत हैं, कितने के वोट आई हैं, क्या रीजन रहा है। वोट दिए मेरे भाईचारे ने, जो 15,000 वोट आई हैं तकरीबन मेरे भाईचारे ने दिए हैं। मेरा अपना जो जिन्हम अपने मान्या करता किस किस के नाम लो, उनकी कोई वोट नहीं आई किसी की भी। मेरे अपने दलित समाज तो बहुत गणी उम्मीद थी, मैं आरता माधी रात ना काम आया हूं, कम काम आए हाँ, साफ सुथरा कहना है, गोज मर पिया था वोट से ना ना है, महसूस करी है देखी ये चीज। मेरे अपने और भी बहुत गणे जो करे अपने मुस्लिम भाई ये देख लियो, मेरे जो गोहाना के अंदर थे कोई वोट नहीं, मतलब 10% वोट भी नहीं, 10% टोटली। मेरे अपने जो साथी, मेरे अपने जो जाट भाई जीतने वेग भावना में बह रहे थे, कांग्रेस ना रुआ होगा, मनवेद अपना कितन कितने दुश्मन मांग गए थे उन, मगर 90% आदमी, 10% आदमियों ने साथ भी दिया और वोट भी दी, बलाओ भाई उनका। लेकिन दुख एक बात का है, पहली रात ने गामा में जब घूमे, पहली रात ने चुनाव रात ने खत्म हो लिया था, जिसने 50 करोड़ रुपये बांट दिए गांव गैला दारू के, ट्रक तरवा दिए, टेम्पू तरवा दिए, बन गया। जो हमारी गलती वोट थी, वे वोट नगद गोज में रुपये गलते फिर गई। उन्होंने एक चीज साबित कर दी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कहने का तात्पर्य ये है, कोई समाज सेवी बनने की जरूरत नहीं है, गोज में नगद रुपये होने चाहिए, खरीदने की औकात होनी चाहिए, जाकर खरीदो और बन जाओ। यह राजनीति की असलियत है, यह राजनीति की असलियत हमारे शामी आई है। न्यू बेरा पट्टा है, डॉक्टर साहब जी जड़े तसा उड़े थे क्यों बन जाए, उसका रीजन यो है। दूसरी बात, जिन गयो बहम था, अगर मैं तो कांग्रेस आले ना रुवाणती खड़ा हूं, या कांग्रेस मन ना रुवाई भाई सारी सीटा पर, या कांग्रेस की जो कल थी सरकार बने थी और आज बीजेपी की बन गई, मेरी एक सीट तो ना बनी भाई। यो आप लोगों का बैम है, बैम है, जाट नॉन जाट इससे बाहर दुनिया ना तो पहले लगड़ पाई थी ना आज लगड़ पाई है। हमने जाति के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे ना मांगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक मिला है। 20-30 करोड़ रुपए पहली रात ने नगद बांटो, गांव गैला दारू के ट्रक तरवाओ, किसी ने विकास नहीं चाहता, किसी ने काम नहीं चाहता, किसी ने तुम्हारी समाज सेवा का कोई लेना देना नहीं। तुम कितने अच्छे, कितनी इज्जत का टोकरा अपने सिर पर धरे रखो, किसी ने कोई मतलब नहीं। मतलब है तो सिर पे एक बात का, उसने वोट के 2,000 लाए हैं, तूने बता तेरी औकात की है, तू 2.5 दे सकता होता ठीक ना, तो मप जाडे थे, कोई वोट नहीं। ऐसे ऐसे आदमी जिनका आप जीवन में मुंह देखना पसंद नहीं करते होगे, जो मतलब इतने बड़े जात पात के भरे उड़, इतने बड़े नशेड़ी, वे आदमी भी इस टाइम पे अपनी औकात बताते हैं। राजनीति का सत्र सोनीपत के अंदर तो ऐसा गिर रहा था, अगर आपके पास 15 वोट्स हैं, सोनीपत की बात कर रहा हूं, सोनीपत विधानसभा की, आपके पास 15 वोट है तो 15 वोटा पर स्कूटी ले जाओ। औरत की एक वोट है जो सा सूट जी करे, आदमी की एक वोट है पेंट शर्ट, और जिसकी 50 वोट है जो मर्जी ले लो, 50 वोट आएगी या औकात है, किसे ना मतलब नहीं। आप काम करते हुए नहीं, कहने का मतलब एक है, अमीर आदमी कोई चुनाव लड़ सकता है तो लड़ सकता है, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, और जमीर बेच का अमीर होना रहस्य कारण नहीं आता। बाकी भाई तारा धन्यवाद, तुमने 15,000 के लायक समझा, और तुमने एक आज मेरा ऐसा थप्पड़ मारा है, भूल गा मैं भी नहीं मानू था बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनूंगा, जब मैं बन गया तो बेरा ना की बदलाव लिया दूंगा, तुमने बता दी गरीब आदमी गरीब वो है, अपना मजदूरी करके अपना गुजारा कर ले, गणेश अपने ना लिया रहे मेरे लिए MP बनाने के, शाबाश भाई, धन्यवाद मेरी जनता का, आप लोगों का प्यार प्रेम यो न्यूगा बनिया रहे। बाकी कल ना कुछ हो जाता है तो मेरे घर के बारह का ड्रामे मत करियो, पहले ही मैंने ये बता दी थी, जितना बोल्ड राजनेताओं के खिलाफ मैं बोलता हूं कि तन की तभी अपनी रंजिश काट देंगे ना, न्यू मानियो मैं डर रहा हूं, मारे एक दिन अपना आखिरी दिन समझ गए जी यारू।
हर दिन अपना आखिरी दिन समझ गए। गारंटी देता हूं गोवाना की जो विधानसभा के अंदर जो जनता है, 5 साल के अंदर थारा ये विधायक तुमने 5 बार भी दिख जा तो रोयो ही बात पादर के 50 करोड़ रुपये बैठ रहा है अगला, वोट खरीद रहा की है, के जरूरत लाग रही थारे काम कराने की उन्हें, देखो आके के कराओगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, 15,000 के लायक तो समझे ना लोग, तेनों कहते 2,000 भी ना हो, 1,000 पर्ची भी ना है। मेरा ये मुंह फिरते मेरे पीछे थे कुछ मेरे अपने साथी थे, चप्पल आला काम करें थे, चप्पल जब कीचड़ में चल रहा अपने ऊपर कीचड़ उछाला रहा पीछे थे, वो ये काम कर रहे थे। थारा भी धन्यवाद भाई, मेरी हार था तुमने जरूर के मैं मिल जाऊंगा, और जनता को बदलाव नहीं चाहता, वास्तविकता अनिशा मेरी बहन, उनको दारू और पैसे चाहिए, रियलिटी है ये। इवन्यू देखूंगा उस दारू तक कह दिन पी लोगे, उन पैसा तक कह दिन अपना घर से मार लोगे, और जो 50 करोड़ रुपये बैठ का बन रहा है वो अपने 500 करोड़ बनाओगा, अपने ऐसा आराम की जिंदगी जीवगा, उन थर तक मतलब कल मरते आज मर जाओ। बाकी राजनीति का इतना गिरता सत्र मन देखा नहीं था, हर चीज से एक विश्वास उठ गया। बाकी एक बात कहूं भाई, एक बात आप लोगों के सामने कहता हूं, जिन जिन के सर पर आटे के रखा छोरी आगे पे, उन उनका ब्याह जरूर करूंगा, चाहे मन मेरा घर बेच कर करना, वो घर भी नहीं है मेरे तो, चाहे मन मेरा शरीर बेच कर करना पड़ी हो। रही बात ही वे जो जोट रखी वे पूरी जरूर करांगे भाई, आगे की राम जाना है, क्योंकि क्यों करण थी भाई, पीछे चाहे जोगाड़ चाह रहे ना, तो अपना पैसा रहा ना अपना जोगाड़ रहा। आज एक बात बता देता हूं, कुछ आदमी जो न्यू कहा अगर ते चंदा खानती न्यू कर रहा, पूरे चुनाव में 1 रुपया किसी का लिया नहीं, दिए हैं लगातार 54 दिन लंगर चलिया, खाना चलिया, 1,000 आदमियों का डेली खाना बनिया रहता जिसा, जो भी कर्जा होया भाई सबकी पाई पाई दूंगा, उधारे ले रखे हैं जिन पे, न्यू मत मानियो, अक्षकारा चुनाव हार गया तो थरे रुपये मर गए, सबके रुपये दूंगा भाई, किसी का कोई रुपया नहीं मारूंगा। दूसरी बात आप लोग आते को उम्मीद करूं हूं, को गरीब घर का बालक चुनाव मत लड़ियो भाई, आपकी औकात कुछ भी नहीं है। पार्टी वाले जब औकात ला दे, कांग्रेसियां जब इन्हें कह दी थी तू तो कांग्रेस ना हरान थी बन रहा है, इब कांग्रेस हरियाणा के अंदर मन नहीं है, राई तम ना राई तम वोट देनी थे, मेरी एक सीट तक कांग्रेस बीजेपी हारे जीत नहीं थी। ये छोटी मानसिकता वाले जो आदमी होते हैं, गाल भी दी है कई गामा में तो मेरे थे, गंदी से गंदी गालियां, कोई बात नहीं। बाकी धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग का निचला एक समझे, यो कीड़ा मारा ही था, अब समाज ने सुधारांगे, वो कीड़ा आप लोगों ने बहुत बढ़िया मिटा है। उम्मीद करते हैं भाई जो अपनी समाज सेवा कराया करते वह जारी रखांगे, जीतने भी आखिरी सांस होगी। धन्यवाद आप सबका, राम राम, जय हिंद।